दुमका के डंगालपाड़ा की रहने वाली काजल देवी उम्र 23 वर्ष काफी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें खून की कमी के बारे में बताया गया। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा उन्हें 5 यूनिट रक्त की जरूरत भी बताई गई। इसमें ये 1 यूनिट रक्त उन्हें जल्द से जल्द चढ़ाने की बात कही गई। वहीं परिजनों के द्वारा लगातार कोशिश के बाद भी जब रक्त न मिला तो 1 यूनिट रक्त दान कर सोनू पांडे ने उनकी मदद की। समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त गोड्डा संजय सिन्हा की अध्यक्षता में जिला परिषद, जिला पंचायत, राज शाखा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बहरगामा प्रखंड के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022, झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के अधिनियम के अधीन बहरगामा प्रखंड के अंतर्गत प्रमुख एवं उप प्रमुख पद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज की उपस्थिति में मतदान कराया गया। ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022, झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के अधिनियम के अधीन ठाकुरगंगटी प्रखंड के अंतर्गत प्रमुख एवं उप प्रमुख पद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी महागामा सौरभ कुमार भुवनिया की उपस्थिति में मतदान कराया गया। सही कॉलोनी में रात के 2 बजे विशेष समुदाय के उपद्रवियों ने हमला किया और मोहल्ले के 20 से 25 गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा में पुलिस की तरफ से जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें जिक्र है कि उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर अवैध हथियारों से करीब 80 राउंड फायरिंग की गई थी। उपद्रवियों के द्वारा की गई फायरिंग का वीडियो फुटेज सामने आया है। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस समय पुलिस उपद्रवियों से जूझ रही थी उस दौरान लाल टी शर्ट पहने हुए एक उपद्रवी लगातार फायरिंग कर रहा था। वीडियो फुटेज रांची के मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर के पास का है। उपद्रवियों ने जब मंदिर पर हमला बोला था उस समय मंदिर के ठीक बगल वाली गली से लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए युवक निकल कर आता है और अपने हाथों में लिए हुए हथियार से 6 राउंड फायर करता है। फायरिंग करने के बाद उपद्रवी वहाँ से फरार हो जाता है। गुंडा ओपी क्षेत्र के रिवर साइड स्थित बंद केंद्रीय विद्यालय के भवन में गुरुवार को एक व्यक्ति का विभत्स शव पाया गया, जिसकी सूचना पर भुरकुंडा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। देखें जो डेड बॉडी है वो करीब तो 1 सप्ताह से ज़्यादा का है, सड़ा हुआ करता है, तो इसका मतलब अभी शिनाख्त करते हुए हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज रहे हैं। और अभी तक प्रखंड कार्यालय सभागार कक्ष में प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव हुआ। इसमें 29 पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। प्रमुख चुनाव प्रक्रिया ADC सह निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार मिश्रा की देखरेख में हुआ। राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा और पत्थरबाजी के बाद हर इलाके में सख्ती शुरू हो गई है। कल शुक्रवार 17 जून को जुम्मे की नमाज के दौरान माहौल न बिगड़े इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस चाक चौबंद। सरकार के द्वारा मंत्रालय के हम लोगों को CRPF की 2 RAF कंपनी मुहैया कराई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है दंगा नियंत्रण। बीते दिन देवदान थाना के गुप्त सूचना मिलने पर जामबाद गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हरला गांव के समीप 18 मवेशी 10 पहिया वाहन के साथ जब्त किए गए, जिसमें एक मवेशी का 10 पहिया वाहन के अंदर ही मौत हो गया था। जब्त करके लाए 17 मवेशी थाना परिसर के अंदर ही घूम रहे हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि यह मवेशी और 10 चक्का वाहन 4 व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। Thank you.
बाथरूम केयर का लॉन्ग लास्टिंग किंग आ गया, लॉक्सिया सबको भा गया। मजबूती प्लस खूबसूरती भरे बाथरूम प्रोडक्ट्स, लॉक्सिया तो छा गया। नो लीकेज, नो ब्रोकेज, लॉक्सिया के प्रोडक्ट्स में नो शिकायत। नल की डिजाइन में ऑप्शन होंगे हजार, शावर और टैप्स भी होंगे आपके ग्राहक के पसंद के। तो आज ही बनिए लॉक्सिया के डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंसी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 8521731286 पर या फिर zanisha.bathcare@gmail.com पर।